हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा में और थाईलैंड टूर सीरीज के एक और नए वीडियो। अगर आप थाईलैंड के टूर का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो थाईलैंड का बैंकॉक सिटी है ये एक टूरिस्ट हब के साथ साथ चीप एंड बजटेड शॉपिंग का भी मेन हब है। तो आपके थाईलैंड के ट्रिप के दौरान आपके बैंकॉक का जितने भी दिन का स्टे है उसमें जरूर एक दिन आप रखिएगा शॉपिंग के लिए, या फिर हर दिन साइट सीन के विजिट के बाद इवनिंग के टाइम थोड़ा थोड़ा वक्त दो दो घंटे तीन तीन घंटे जो है अलग अलग जगह पे शॉपिंग के लिए आप जरूर प्लान कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने सस्ते रेट में मिलेंगे जो आपको आई थिंक इंडिया में जो चीपेस्ट मार्केट्स है जैसे दिल्ली में सरोजिनी मार्केट वगैरह है, इन सब जगह में भी आपको नहीं मिलेगा। इतना चीप एंड बजटेड यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। नॉट ओनली क्लोथिंग्स, आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर बैंकॉक के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन से मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पर आप बेस्ट चीप एंड बजटेड शॉपिंग कर सकते हैं। देन कुछ शॉपिंग मॉल्स, जो बड़े मॉल्स वगैरह है बैंकॉक में जहाँ पर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उनका भी मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। देन कुछ नाइट मार्केट्स, वीकेंड मार्केट्स और कुछ होलसेल मार्केट्स भी है यहाँ पर जहाँ पर आप बजटेड तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं ये सारे कैटेगरीज में कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से मॉल्स है, ये सब चीज लिस्ट वाइज बताऊंगा विद प्राइसिंग। बहुत सारे जगह में जो अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या हो सकता है, बार्गेन के बाद आपको कितने प्राइस में क्या चीज मिल सकता है, ये चीजें भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए फिर बैंकॉक में बेस्ट एंड बजटेड शॉपिंग के कंप्लीट डिटेल्स के लिए और इन सारे इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बैंकॉक में अगर मैं शॉपिंग के लिए कोई भी एरिया के बारे में बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है प्रतुनाम मार्केट का। आप यूट्यूब में देख लीजिए या नेट में सर्च कर लीजिए बैंकॉक में शॉपिंग प्लेस, तो आपको 10 वीडियोस में से लगभग 9 वीडियो में आपको प्रतुनाम ही दिखेगा। तो प्रतुनाम एक शॉपिंग हब कह सकते हैं पूरे बैंकॉक में, सेंट्रली लोकेटेड है। तो प्रतुनाम वाला जो एरिया है यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाय बस। आप किसी भी कोने में हो बैंकॉक के, वहां से आप चेक कर लीजिए गूगल में, आपको कोई ना कोई एक बस मिल ही जाएगा जो प्रतुनाम एरिया से होते हुए जा रहा हो। अब प्रतुनाम आने के बाद आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए मेजर 3 कैटेगरीज मिलते हैं। एक है जो प्रतुनाम का मेन मार्केट, जो शॉप्स वगैरह होते हैं या शॉपिंग सेंटर्स वगैरह है जहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं। दूसरा है यहाँ पर कुछ बड़े मॉल्स हैं, आप मॉल्स में जाकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी बजटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है प्रतुनाम में नाइट मार्केट्स है। नाइट मार्केट्स रात के एक एक दो दो बजे तक भी रहते हैं, तो इन नाइट मार्केट्स में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले मॉल की बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे फेमस मॉल है तो वो है ये द प्लैटिनम फैशन मॉल। और इस पर्टिकुलर मॉल में आपको लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको लगभग हर तरह की चीजें मिलेंगी, क्लोथिंग, शूज, देन एक्सेसरीज वगैरह हर तरह के आपको शॉप मिलेंगे अलग अलग फ्लोर में। आप इस पर्टिकुलर मॉल को विजिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अनदर मॉल इज पैलेडियम मॉल, ये भी इसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो इस पर्टिकुलर मॉल को भी आप विजिट कर सकते हैं। अगेन ये भी बहुत बड़ा एरिया में है और इसके अंदर भी काफी सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो प्रॉपर एयर कंडीशन एरिया में अगर आपको शॉपिंग करना है तो इन मॉल्स में आप जा सकते हैं। और इसके अलावा भी इस एरिया में और भी बहुत सारे छोटे बड़े मॉल्स हैं, इन सब मॉल्स को आप पहले विजिट कर सकते हैं। अब दूसरा है जो मार्केट्स वगैरह है, जो मेजर मार्केट्स या फिर शॉपिंग प्लाजा बोल सकते हैं या फिर शॉपिंग सेंटर्स बोल सकते हैं, इन सब जगहों में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें प्रतुनाम वाले एरिया में सबसे पहले आप आ सकते हैं इस इंदिरा स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में। इंदिरा स्क्वायर शॉपिंग सेंटर के ही पास में आपको ये मिल जाएगा सर्कुलर शॉपिंग मॉल, तो ये सर्कुलर शॉपिंग मॉल आप जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे बहुत ही चीप रेट में आपको क्लोथिंग्स वगैरह मिल जाएंगे, लगभग 50 बात में आपको लेडीज कुर्तीज वगैरह, शर्ट वगैरह, जेंट्स के लिए टी शर्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और प्रतुनाम मार्केट में आप बार्गेन जरूर कीजिएगा अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं, और यहाँ पर बार्गेनिंग के लिए आप सिंगल पीस पे बार्गेन करेंगे तो वो आपको शायद उतना डिस्काउंट ना दे। यहाँ पर मेनली क्या होता है कि
वन पीस फॉर 50 थाई बात एंड 3 पीस फॉर 100 थाई बात ऐसे बोलते हैं। मान लीजिए कोई टी शर्ट हो गया या कोई भी एक आइटम हो गया जो सिंगल पीस का एक रेट बोला जाता है, 3 पीस का एक रेट बोला जाता है और 5 पीस का एक अलग रेट बोला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा आइटम परचेस करना है तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगल पीस अगर 50 थाई बात का और 3 पीस आपको अगर बोला जा रहा है 100 थाई बात का, तो इस हिसाब से अगर आप 6 पीस लेना चाहते हैं तो आपका 200 थाई बात बनेगा। तो आप 200 थाई बात में उनसे 8 पीस डिमांड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैं 200 थाई बात का आपसे प्रोडक्ट लूंगा, मुझे 8 पीस दीजिए, तो आपको 8 पीस दे देंगे। कभी कभी आपसे वो नेगोशिएट करेंगे, आपको 7 पीस तक दे देंगे। तो इस तरीके से आप जितना ज्यादा लेंगे उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतना चीप रहता है यहाँ पर 50 थाई बात, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 150 रुपए के आसपास। और इसमें जो आपको क्वालिटी मिलता है इट इज लाइक आपको 150 रुपया में ये इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और इसी पर्टिकुलर एरिया में आपका इंदिरा बाजार है, इंदिरा बाजार भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इन सब जगहों में विजिट करते करते अगर आपको इंडियन फूड वगैरह चाहिए तो इंदिरा बाजार के ही सामने जो ये पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में आपको लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट्स ही इंडियन रेस्टोरेंट्स है और कोई अलग रेस्टोरेंट्स नहीं है। लाइन से अगर मैं बताऊं लेफ्ट साइड से आपको मिल जाएगा श्री भवन, सुगम रेस्टोरेंट, खाना खजाना, मद्रास दरबार, काठियावाड़ी ढाबा, मालगुड़ी द विलेज फूड, चोटीवाला प्योर वेज एंड जैन फूड, गुज्जू भाई वेजिटेरियन, ये सारे रेस्टोरेंट इसी एरिया में है और लाइन से है, बीच में और कोई आपको शॉप नहीं दिखेगा। तो आप इस एरिया में आ जाइए, सुबह से दोपहर तक शॉपिंग कीजिए, दोपहर को भूख लगे कोई इंडियन रेस्टोरेंट में आराम से लंच वगैरह कर लीजिए और फिर से आप चाहे तो आपका शॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कभी नाइट मार्केट्स वगैरह अटेंड करने हैं तो नाइट मार्केट्स के लिए भी अगेन आपका जो इंदिरा बाजार वाला एरिया में, उसमें सुबह को एक अलग सेटअप रहता है और शाम होते होते वो शॉप्स बंद हो जाते हैं और इवनिंग 7-8 बजे के बाद अगेन आपको एक दूसरा सेटअप दिख जाएगा वहां पे। और जो ये सर्कुलर मॉल मैंने कहा था, इस सर्कुलर मॉल के भी नीचे वाले एरिया में, बाहर वाले एरिया में पूरा आपको शॉपिंग दिख जाएगा नाइट के टाइम में। और ये पैलेडियम नाइट मार्केट भी है यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर नाइट मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में आपको रात के 7, 8, 9, 10 बजे तक, 11, 12 बजे तक भी आपको आराम से शॉपिंग करने के लिए काफी सारे शॉप्स मिल जाएंगे और सारे ओपन रहेंगे। तो इस तरीके से आप प्रथुनम वाला एरिया में अगर विजिट करते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में या फिर जो बेसिक शॉपिंग स्टॉल्स या शॉपिंग के लिए जो शॉप्स वगैरह बने हुए हैं इनमें या फिर नाइट मार्केट्स में बड़े आसानी से पूरा एक दिन आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एक दिन पूरा शॉपिंग के लिए स्पेयर कीजिए आपके आइटिनरी में, या फिर आप पूरा दिन इस तरीके से शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं तो हर दिन सुबह से जब आप साइट सीइंग वगैरह विजिट करके आ जाते हैं उसके बाद यू कैन जस्ट ड्रॉप बाय दिस प्रतुनाम एरिया और यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कीजिए डेली 1-2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एंड देन यू कैन जस्ट गो टू योर होटल। तो इस तरीके से अगर आप बैंकॉक आए हैं तो शॉपिंग जरूर कीजिए और शॉपिंग करना है तो प्रतुनाम वाला एरिया जरूर जरूर विजिट कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे शॉपिंग के लिस्ट में जो दूसरा नाम है, वो है वीकेंड मार्केट। यहाँ का बैंकॉक का एक सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है जो है चाटुचक वीकेंड मार्केट, इसे जेजे मार्केट भी कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर चाटुचक वाला जो एरिया है यहाँ तक आना भी बहुत सिंपल है। यहाँ के लिए आपको जो नियरेस्ट MRT है वो है चाटुचक पार्क MRT, और अगर आप भाई BTS आना चाहते हैं तो BTS का जो सुकुमबीट लाइन है उसमें आपको मिल जाएगा मोचित BTS। और थर्ड ऑप्शन है बसेस, हर कॉर्नर से आपको चाटुचक या फिर मोचित के लिए बस मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे स्टॉल्स है, छोटे 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 स्टॉल्स है, स्ट्रीट जैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रीट्स बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये अलग अलग एरियाज है जिसमें आप देख सकते हैं जेजे मॉल भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको हर दिन मार्केट बैठता है लेकिन वीकेंड मार्केट है ये, तो इसलिए आप हो सके तो फ्राइडे को इवनिंग के वक्त आइए जब आपको सारे एरियाज में सारे स्टॉल्स ओपन मिलेंगे। और यहाँ पर आपको नॉट ओनली क्लोथिंग्स, आपको यहाँ पर हर तरह के सामान मिलेंगे, जैसे यहाँ पर नर्सरी के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, देन केन वर्क से कुछ हैंडलूम वाले जो आइटम्स होते हैं ये भी आपको मिलेंगे, और क्लोथिंग्स, एक्सेसरीज, लेडीज जेंट्स वेयर्स, किड्स वेयर्स वगैरह तो है ही है। इसके अलावा आपको कुछ एंटिक आइटम्स के शॉप्स भी मिल जाएंगे, सुवीनियर्स वगैरह के शॉप्स,
देन पेट्स के लिए आपको अगर कुछ खरीदना है तो पेट्स के भी कुछ शॉप्स आपको दिखेंगे, प्लस फूड एंड अदर थिंग्स सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा, आप यहाँ पर एग्जिट और एंट्री के गेट्स और जहाँ से आप जा रहे हैं वो सब एरिया प्रॉपरली याद रखिएगा, वरना यहाँ पर इतना ये भूल भुलैया टाइप रहेगा कि आप पूरा रूट भूल सकते हैं और लास्ट में आप एंटर कहाँ से किए और एग्जिट कहाँ हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा ये मार्केट है। अब चाटुचक मार्केट में आप जब आते हैं यहाँ पर भी आप बार्गेन जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीजें फिक्स प्राइस पे है, आप चीजें देखिए उसका जो प्राइस वो बोल रहे हैं वो देखिए आपको वैलिड लग रहा है कि नहीं, अदरवाइज वहां पर भी आप रेट कम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था प्रथुनाम मार्केट में आपको जब बल्क में आप खरीद रहे हैं या दो या तीन पीस एक साथ खरीद रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसमें उनका जो कॉस्ट है उसको थोड़ा स्क्वीज करके बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाटुचक वीकेंड मार्केट भी विजिट कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग फॉर शॉपिंग इन बैंकॉक। अब देख लेते हैं हमारे शॉपिंग प्लेसेस के लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है एक होलसेल मार्केट। ये प्रॉपरली आपको सिंगल पीस के लिए इस मार्केट में अगर आप गए तो आपको उतना डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ मिलेगा नहीं, बट अगर आप बल्क में कुछ लेना चाहते हैं तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं। और ये मार्केट है शैंपेंग मार्केट जो चाइना टाउन वाले एरिया में आता है। तो इस पर्टिकुलर मार्केट तक आने के लिए अगेन आपका चाइना टाउन के पास में जो MRT है वो है ये वॉट मैंगकॉन MRT। इस पर्टिकुलर MRT के थ्रू से भी आप आ सकते हैं और बसेस तो है ही, आप अपने एरिया से देख लीजिए आपको बसेस मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर चाइना टाउन तक आने के लिए। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो ये चाओपाया रिवर चलती है इस रिवर में बाई फेरी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पियर है नियरेस्ट पियर है वो है ये रचाओंग पियर। इस पर्टिकुलर पियर तक आप जो ब्लू फ्लैग वाले टूरिस्ट बोट्स होते हैं उन बोट्स में भी आ सकते हैं। और ट्रैवल रिलेटेड आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, यहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए, इससे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आप लोकल में बैंकॉक के अंदर बजटेड तरीके से ट्रैवल कैसे करें, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, कौन कौन से एरियाज के लिए किस किस ट्रांसपोर्ट मोड का यूज करने से आपको इजीली बजटेड तरीके से और स्मूथ तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये चाइना टाउन वाले एरिया में जो शैंपेंग मार्केट है ये बेसिकली एक होलसेल मार्केट है। आपको 8 पीस 10 पीस 12 पीस 50 पीस ऐसा अगर कुछ लेना है तो आप इस मार्केट पे आइए, यहाँ आपको बहुत ही चीप रेट में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ओनली क्लोथिंग्स के लिए ये मार्केट नहीं है, आपको यहाँ पर इयर रिंग्स ज्वेलरीज देन जो फैंस वगैरह मिलते हैं, हैंड फैंस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गैजेट्स, बच्चों के खिलौने वगैरह, देन सुवीनियर्स, क्लोथिंग्स भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे एरियाज में क्लोथिंग्स भी है। तो इस तरीके के मिसलेनियस आइटम्स आपको मिलेंगे और सारी चीजें आपको बल्क में मिलेंगी यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप गिफ्ट वगैरह परचेस करना चाहते हैं और बल्क में इंडिया जाकर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स को गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर मार्केट से आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें कम दाम में ले सकते हैं। और यहाँ पर आई थिंक बार्गेनिंग का कोई ज्यादा स्कोप दिखा नहीं था मुझे, अगर आप बल्क में लेते हैं तो ऑलरेडी वो जो प्राइस दे के रखते हैं वो एक डिस्काउंटेड प्राइस रहता है और उससे बहुत ज्यादा नीचे ये करते भी नहीं है। आपको अगर 10 पीस का एक रेट बोला जा रहा है उस रेट में आप अगर थोड़ा भी रेट घटाने का कोशिश करेंगे वो आपको जनरली नहीं घटाते और वो रेट भी बहुत कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सुवीनियर्स वगैरह लेते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके के मग्स वगैरह होते हैं, जैसे ये कुछ मग्स है तो ये हमने लिया था, तो ये मेरे पास एक आध पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आपको लाइव दिखा दूँ। ये चीनी मिट्टी के हैं और सेरामिक के हैं और ये एयर टाइट है, काफ़ी अच्छे दिखने वाले मग्स है। तो ये आपको इंडिया में अगर आप लेना चाहे तो आराम से आपको 100-200 रुपये में तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये मिला आई थिंक पर पीस ये 50 थाई बात 40 थाई बात बता रहे थे, और आप अगर 4 पीसेस लेते हैं तो आपको ये 100 थाई बात में ये दे रहे थे। तो 4 पीसेस फॉर 100 थाई बात मतलब 25 थाई बात पर पीस का आपको ये रेट पड़ा। तो 25 थाई बात इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60-70 रुपया। तो 60-70 रुपये में आपको इस तरीके का चीज जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है इंडिया में या फिर बैंकॉक में भी कोई भी एरिया में। तो मैंने इस तरीके के 3-4 लिए थे आई थिंक, और इसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें थी जो हमने इस शैंपेंग मार्केट से परचेस किया था। तो अगर आपको होलसेल में या बल्क में कुछ चीज़ें परचेस करनी है तो आप आ सकते हैं चाइना टाउन और यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शैंपेंग मार्केट को। अब इसके बाद शॉपिंग कैटेगरी में अगला नाम है MBK सेंटर का। तो ये भी एक वन ऑफ द पॉपुलर मॉल है इन बैंकॉक। MBK सेंटर में आपको 6-7 फ्लोर्स मिल जाते हैं जिसमें पहला
दो तीन फ्लोर तक आपको मिसलेनियस आइटम मिलेंगे, क्लोथिंग, गिफ्ट आइटम्स, सुवीनियर्स और ऑल दोस थिंग्स। देन उसके बाद एक लेवल ऊपर अगर आप जाते हैं तो पूरा एक फ्लोर जो है आपको ज्वेलरीज वगैरह मिलेंगे, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट के ज्वेलरीज वगैरह आपको रहेंगे। उसके ऊपर आप अगर जाते हैं तो आई थिंक एक या दो फ्लोर आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे, आपको लेटेस्ट आईफोन या फिर विंटेज आइटम्स, विंटेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इस तरीके के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा MBK सेंटर जो मॉल है ये बटा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और ये मॉल के एक एक फ्लोर आप छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा एरिया है। आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में ऑलमोस्ट आपका मतलब पैर दर्द हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया अगर आप विजिट करते हैं तो। अब इसके बाद अगर आप बैंकॉक में है और जो स्ट्रीट शॉपिंग है इसके अलावा कोई ब्रांडेड शॉपिंग डिस्काउंट में करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे ब्रांड जैसे एडिडास पूमा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप 40% 50% ऑलमोस्ट कभी कभी 60-70% के डिस्काउंट में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं सियाम प्रीमियम आउटलेट बैंकॉक। तो सियाम का नाम देखते ही आप मत समझ लीजिए कि ये सियाम में है, सियाम वाले एरिया में ये नहीं है, ये ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के पास में है, तो ये ऑलमोस्ट सिटी से बहुत दूर है, बहुत हटके है। और यहाँ तक विजिट करने के लिए बेसिकली अगर आप सिटी से आना चाहते हैं तो लगभग आपका 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप जिस दिन रिटर्न जा रहे हैं उस दिन आपको एयरपोर्ट का अगर आपका इवनिंग का फ्लाइट है या नाइट का फ्लाइट है तो आप आफ्टरनून के बाद ही निकल जाइए और आप इस पर्टिकुलर आउटलेट्स के एरिया को 2-3 घंटा विजिट करके फिर एयरपोर्ट आ जाइए, या फिर जिस दिन आप लैंड कर रहे हैं बैंकॉक में उसी दिन आपका अगर अर्ली मॉर्निंग का लैंडिंग है और आपका दोपहर का चेक इन है होटल में तो 2-3 घंटा आप इस पर्टिकुलर एरिया में स्पेंड करके फिर यहाँ से आप सिटी की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए अगर आप सिटी से आना चाहते हैं या एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये एयरपोर्ट रेल लिंक ले लीजिए और आप ये लट क्राबांग वाले जो एयरपोर्ट रेल लिंक वाला स्टेशन है यहाँ पर आप उतर जाइए और यहाँ से आपको AC बसेस 1-73 वाली जो बसेस होती है ये आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप सिटी से आना चाहते हैं तो सिटी से ये शटल सर्विस भी चलती है जो आपको सियाम पेंटागन बस स्टॉप इस पर्टिकुलर एरिया से सियाम प्रीमियम आउटलेट तक स्पेसिफिक 3 टाइम्स में चलती हैं, सुबह 10 बजे एंड देन दोपहर के 1 बजे और शाम के 4 बजे यहाँ से निकलती हैं, और फिर आपके लिए रिटर्न भी यहाँ से 3 शटल सर्विसेस हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको स्ट्रीट शॉपिंग या फिर जो बजटेड आइटम्स मैंने बताए थे प्रतुनाम वगैरह में वो सब नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हर बड़े से बड़े ब्रांड का ब्रांड आउटलेट। तो इसमें अगर मैं कुछ बड़े नाम लेना चाहूँ तो नाइकी पूमा देन क्लब 21 देन अमेरिकन एज उसके बाद रूबी स्केचर्स एडिडास इस तरीके के हर बड़े से बड़े आउटलेट आपको यहाँ मिल जाएंगे और सारे आउटलेट्स में आपको लगभग 30-40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 50%, 60% यहाँ तक कि 70% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप सही टाइम पर आते हैं और सही आउटलेट्स पे जाते हैं तो। तो ये कुछ मॉल्स कुछ नाइट मार्केट्स वगैरह है जहाँ पर आप बजट में शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आए थे थाईलैंड सीरीज के वीडियोस में कि अगर मैं पहले ही पटाया जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत शॉपिंग मुझे पहले ही करना है तो पटाया में कोई प्लेस है क्या जहाँ पर मुझे बजट में शॉपिंग करने को मिल सकता है। जी हाँ, पटाया में अगर आप पहले चले जाते हैं और पहले ही 1-2 दिन में आपको थोड़े बहुत शॉपिंग करने हैं तो पटाया में आप पटाया नाइट बाजार आ सकते हैं, नाइट बाजार में आपको काफी सारे आइटम्स मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए। इसके अलावा आप अगर और बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ये बुआखाव मार्केट। तो ये बुआखाव मार्केट ऑलमोस्ट साउथ पटाया में है और ये पटाया का जो फेमस वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस में है। तो अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह विजिट कर रहे हैं पटाया में और आपको पटाया में ही थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है बजट में तो आप आ सकते हैं इस बुआखाव मार्केट में और पटाया में भी आप बजट में शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको बैंकॉक में या फिर पूरे थाईलैंड में शॉपिंग या फिर बेसिक परचेस के लिए मैं आपको बता दूं ये 7-11 जो है ये यहाँ का शॉपिंग के लिए आप लाइफलाइन मान सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक 500 मीटर भी नहीं, मैं तो कहूंगा 100-200 मीटर के दायरे में हर एरिया में आपको एक ना एक 7-11 मिल ही जाएगा। ये बैंकॉक में एक चेन स्टोर्स की तरह है जहां पर आपको मिसलेनियस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप अगर चॉकलेट्स सुवीनियर्स या फिर कुछ फूड आइटम्स या फिर लिक्वर वगैरह हर चीज यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगा। और आपको कहीं कहीं पर छोटे छोटे 7-11 मिलेंगे कुछ इस तरीके के और कहीं कहीं पर आपको कुछ इस तरीके के बड़े वाले 7-11 भी मिलेंगे। तो इन 7-11 को आप इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे आप प्रतुनाम में हो कहीं
कहीं पर भी हो, आप 7-Eleven भी एक बार जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर भी आपको कभी कभी बड़े जो 7-Eleven होते हैं इनमें कुछ अच्छे सुवीनियर आइटम्स, कहीं कहीं पे छोटे मोटे ड्रेसेस वगैरह भी रहते हैं, ये भी बहुत ही डिसेंट प्राइस में, मैं तो कहूँगा ये एक सब्सिडाइज रेट में यूनिक रेट आपको ऑल ओवर बैंकॉक, ऑल ओवर पटाया आपको मिलेगा। तो आप 7-Eleven जरूर विजिट कर सकते हैं कहीं पर भी, फॉर योर फूड रिक्वायरमेंट, फॉर योर सुवीनियर्स या फिर फॉर एनी काइंड ऑफ स्मॉल परचेस। और लास्ट में मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप थाईलैंड के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और आप एक शॉपिंग फ्रीक पर्सन है तो आपको यहाँ पर एडिक्शन होना ही होना है, और आपके पास इतने शॉपिंग हो जाएंगे कि आपको अगेन एक लगेज या फिर एक बैग वगैरह परचेस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर अगर आप शॉपिंग के प्लानिंग से जा रहे हैं तो आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, तो चाहे तो एक एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाइए या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग लगेज है उसमें थोड़ा गैप बना के रखिए, क्योंकि ये होता ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था और मेरे कितने फ्रेंड्स गए हुए हैं उनके साथ भी हुआ है। हमने तो एक एक्स्ट्रा बैग परचेस किया था क्योंकि हमने जितने परचेस कर लिए थे वो हमारे एग्जिस्टिंग लगेज में फिट होना इम्पॉसिबल था। तो इस तरीके से आपका भी अगर इस तरीके का कोई प्लान है तो एक बैग या फिर एक लगेज के लिए एक एक्स्ट्रा आइटम जरूर इंडिया से लेकर जाए, अदरवाइज आपको वहां पर आपको एक लगेज खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि आपको वहां पर इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स इतने कम प्राइस में आपको मिलेंगे। अगर आप सरोजिनी मार्केट वगैरह का शॉपिंग कर रखे हैं तो भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सरोजिनी मार्केट के प्राइस को बीट कर देगा बैंकॉक का जो भी शॉपिंग प्लेस है वहां के प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली प्लान करके जा सकते हैं और बैंकॉक में जी भर के या फिर मैं कह सकता हूँ दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी एकदम बजट में। और बैंकॉक में शॉपिंग रिलेटेड या कोई भी और टूर रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप थाईलैंड के टूर का प्लान कर रहे हैं तो थाईलैंड टूर सीरीज में मैंने ये सारे वीडियोस बना रखे हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको आई बटन में भी इसका लिंक आ जाएगा। और अगर आप थाईलैंड का टूर कोई पैकेज में प्लान करने वाले थे तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप इन वीडियोस को चेक करने के बाद अपना थाईलैंड का टूर खुद से बिल्कुल आसान तरीके से और एकदम बजट में प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ इसी थाईलैंड टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।